हे गाइस, दिस संदीप सोनगढ़े, आप सभी का स्वागत है और स्टडी चैनल एग्जाम 247 में। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एलसीएम एसएम के सेकंड क्लास है, राइट। लेकिन इसमें जो नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे हैं, राइट। परफेक्ट स्क्वायर आपको समझना है बहुत अच्छे से, जहां स्टूडेंट गलती करते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से समझा, इसके डिटेल में हम जाएंगे। फाइंड परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। अब आपसे ये बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। इसका मतलब तीन ऑप्शन क्या होंगे? नॉन परफेक्ट। तीन ऑप्शन क्या होंगे? नॉन परफेक्ट होंगे। तो आपको ओवरऑल क्या जानना है कि कितनी संख्याएं नॉन परफेक्ट है? तो तीन संख्या नॉन परफेक्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसका मतलब आपको नॉन परफेक्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। और वास्तविकता में जीना है, परफेक्ट तो निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, लेकिन चार जो तीन ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन परफेक्ट। तो नॉन परफेक्ट पता होगा तभी तो पता चलेगा कि एक परफेक्ट है। इज इट क्लियर? तो आपको नॉन परफेक्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चन करके आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे दूसरे क्वेश्चन में अटक जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा तीसरे में अटक जाएंगे, और यही कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, जिसे कंडीशन पता है कंडीशन, इस क्वेश्चन के बाद सीधे कंडीशन देखेंगे। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये क्वेश्चन दो सेकंड या तीन सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, अगर 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, नॉन परफेक्ट हो जाएगी। अब इनमें से देखिए, इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी? नॉन परफेक्ट, पहला ऑप्शन खत्म। अब इसे कंडीशन पता होगी तब ना, और ये 100% श्योर रहती है कंडीशन। जहां पर 100% नहीं होगा, 90% फॉलो होती कई जगह कंडीशन, ये 100% है कि अगर 2, 3, 7, 8 अगर आपके यूनिट इकाई के अंक में अगर आ जाए तो वह संख्या कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइंड सेट हो जाए, ठीक, ओके। दूसरे इसमें देख लो, दूसरा केस इसमें होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस इस क्वेश्चन में कभी भी अगर यूनिट में 5 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके साथ क्या हो? 2 हो। अदरवाइज कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसके पहले वाला नंबर होगा 2 ही होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या यहां पर 2 है? नहीं है। इसका मतलब क्या? ये भी नॉन परफेक्ट है। हमें क्या निकालना है? परफेक्ट, लेकिन जानना क्या जरूरी है? नॉन परफेक्ट जानना जरूरी है, राइट। किसी भी यूनिट में अगर 6 आ जाए, इकाई का अंक अगर 6 है तो उसके सामने हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब यहां पर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 डैश डैश, विषम संख्या है। तो क्या ये 6 के पहले इकाई का अंक 6 या 6 के पहले क्या है? सम संख्या है, 2 के मल्टीपल है, तो क्या ये होगा? नहीं। अभी मैंने यही बताया, यहां भी इकाई का अंक क्या 6 है और इसके पहले क्या है? विषम संख्या, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। अब ये लॉजिक सारे पढ़ने पड़ेंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से एक टॉपिक को कवर करना है। गेटिंग अ पॉइंट? बोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा होगा, हो सकता है फेस फ्लक्चुएट कर रहा है इस वजह से थोड़ी सी इशू आ सकती है, बाकी वॉइस और बोर्ड क्लियर होना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं जब इतने लॉजिक हमें पता होंगे, और इससे ज्यादा लॉजिक हमें पता होंगे, तो हम लॉजिक पे चलते हैं अभी, राइट, ओके। चलो तो हम इसमें लॉजिक पे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल से निकालना, विभाजिता के नियम से निकालना है तो आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसलिए लॉजिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 घंटे का जो हमारा डिस्कशन होता है उस पर जाकर हमें इतने सारे लॉजिक बना पाते हैं। पहली कंडीशन, हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, पूर्ण संख्या निकालना है, लेकिन चार में से 3 ऑप्शन क्या होंगे? नॉन परफेक्ट। तो नॉन परफेक्ट की कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले। नॉन परफेक्ट कब क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। किस केस में पूर्ण संख्या नहीं होगी? ठीक है, किस केस में पूर्ण संख्या नहीं होगी वो केस पढ़ रहे हैं। पहला केस क्या आएगा इसमें? यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक की बात कर लेते हैं, इकाई का अंक। इसमें जो इकाई का अंक है ना, नॉन परफेक्ट कब होगा? जब इकाई का अंक आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, 2, 3, 7, 8 जब भी आपका इकाई में दिखेगा,
101% वह संख्या क्या होगी? आपकी नॉन परफेक्ट होगी। नॉन परफेक्ट का पढ़ रहे हैं, नॉन परफेक्ट। इससे आप क्या कर लोगे, ऑप्शन में से आपको समझ में आएगा ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, ठीक? ओके। दूसरा केस क्या होता है इसमें? इसमें होता है दूसरा, होता है डिजिटल सम। अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? नॉन परफेक्ट का, जब पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या नहीं होगी, राइट? पूर्ण वर्ग, राइट? पूर्ण वर्ग कर लेना, हो जाता है। दूसरा क्या है? डिजिटल सम। बताऊंगा डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम, ठीक है? संख्याओं का योग, मतलब जितना भी नंबर दिया रहेगा उसका योग, डिजिटल सम। किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8, जब भी किसी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 होता है तो वह संख्या भी क्या होगी? नॉन परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया? ये टोटल चीजें क्या चल रही है अभी 100% पे। अब कुछ जगह क्या केस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये तो क्या हो गया कि भाई ये क्या होगी संख्या, जब भी यूनिट नंबर, ये दोनों चीज अलग है, ये दोनों चीज अलग है, ठीक है? मान लो कोई नंबर है, एक नंबर अपन ले लेते हैं यहां से, जैसे एक नंबर हमारे पास है 6767 8953। क्या होता है ये डिजिट सम, अभी समझ लो, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है डिजिट सम? सारे नंबर को जोड़ना है, सारे नंबर को जोड़ लो आप, 13, 8, 21, 21 और 9, 30, 30 और ये 5, 35 और 3, 38, 38 इनको हमने जोड़ दिया, सारे नंबर को हमने जोड़ दिया 38। जब जो नंबर हमें मिल रहा है इसे भी जोड़ना है, 3 + 8 कितना हो गया 11, जो 11 हो गया इसको भी जोड़ना है, 1 + 1 कितना हो गया 2। क्या है फिर हमें क्या मिला, एक नंबर 2 मिला। और जब यूनिट नंबर आपका 2 होता है तो वह संख्या, जैसे ये 2 हो गया तो क्या हो गया वो, जब भी 2 मिलेगा, डिजिटल सम की बात कर रहे हैं हम अभी, ये जो बात कर रहे हैं डिजिटल सम की, डिजिटल सम जब 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है? तो ऐसे नंबर को जोड़ना है, फिर जो आएगा उसको जोड़ना है, जो आएगा उसको जोड़ना है। अगर 2 आया, डिजिटल सम का ये केस है 2, 3, 5, 6, 8, बार बार बोलो, डिजिटल सम का केस क्या है 2, 3, 5, 6, 8, और यूनिट डिजिट का क्या है 2, 3, 7, 8, ठीक है ना? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 100% वाला केस है। अब 90% का केस देख लेते हैं, 90% में क्या होता है, राइट? तो 90% का केस देख लेते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब लास्ट में इसको रिकॉल भी करेंगे, ठीक है? और आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चाहिए, और आप चाहते हो कि एग्जाम टाइम में आपकी क्लासेस आपका सेव रहे कोई विदाउट डिस्टर्बेंस, आप एग्जाम 247 मेरा एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, पेड कोर्सेज यहां पर आपको मिल जाएंगे, राइट? तो हम पूर्ण वर्ग पढ़ रहे हैं यहां पर। तो इसमें हमने देखा, अभी इसमें क्या देखा आपको, हमने ये बताया कि एक तो हमने डिजिट, यूनिट डिजिट का देख लिया, यूनिट डिजिट देख लिया कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2, 3, 7, 8 अगर हो गई तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट। क्या होगा? नॉन परफेक्ट, ओके। दूसरा डिजिटल सम देख लिया, डिजिटल सम देख लिया, अगर किसी भी संख्या को हम जोड़ें तो हमें 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 5, 6, 8 मिलता है तो वो भी नॉन परफेक्ट होगा। अब एक हम पढ़ते हैं इसे परफेक्ट का केस, ये कौन से केस है, नॉन परफेक्ट कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है? ओके। अब हम ये जो देख रहे हैं, अब इसमें देख रहे हैं परफेक्ट का, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे को डाउट हो जाता है। अब मान लो जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 100% नहीं है, 90% केसेस में ये अप्लाई हो जाता है और कहीं कहीं जगह फेल हो जाता है, इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं बोलूंगा आपको, राइट? जो गलतियां होती वो भी मैं आपको बोल रहा हूं, सीधे सीधे आप एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकते हो, हाँ, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं 90% के केस में रख सकते हो, ठीक है ना? ओके। तो जब भी आपका 1, 4, 7, 9 अगर यूनिट नंबर, यहां पे भी हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट नंबर, यूनिट नंबर,
अगर किसी संख्या के इकाई में 1, 4, 7, 9 एक आए, चार आए, सात हो या नौ हो, वन हो, फोर हो, सेवन हो या नाइन हो, यूनिट नंबर इकाई का अंक अगर 1, 4, 7 हो, बार बार बोलने का मतलब याद हो जाए, इकाई का अंक जब 1, 4, 7 होगा तो वह संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। लेकिन ये 101% नहीं है, इसका बताऊंगा भी मैं क्वेश्चन। अगर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन में यूनिट नंबर वन हो, किसी में फोर हो जाए, तो भाई ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब दोनों में से तो एक चूज करना है ना आपको, तब तो कहानी फंस गई आपकी। कई ऐसे केस है जहां वन आता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन 90% आपका हो जाता है, लेकिन 10% आपका नहीं होता है। तो इसके साथ साथ हमें और भी चीजें याद रखने की आवश्यकता है। यहां तक क्लियर है? आई थिंक सो, मुझे पता है कि यहां तक सारा क्लियर होगा। तो तीन चीजें हमने देख ली, आपको तीन चीज देख ली। नॉन परफेक्ट के केस में अगर यूनिट नंबर 2, 3, 7, 8 है तो नॉन परफेक्ट होगा। डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8, ठीक है, 2, 3, 5, 6, 8 है तो डिजिटल सम अगर 2, 3, 5, 6, 8 है तो वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9, लेकिन 90%। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब लॉजिक पे चलते हैं, एक एक लॉजिक हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूनिट वाले नंबर का लॉजिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे 6 का लॉजिक है, ठीक है। नॉन परफेक्ट का केस पढ़ रहे हैं, नॉन परफेक्ट, क्योंकि हमेशा क्या निकालना है हमें, नॉन परफेक्ट निकालना रहेगा। परफेक्ट लेकिन तीन ऑप्शन में क्या होंगे? नॉन परफेक्ट, तो नॉन परफेक्ट पहचानना आना चाहिए, तो नॉन परफेक्ट, ठीक। अब समझना है अच्छे से, यूनिट नंबर की बात कर रहे हैं यहां पर, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक। किसी भी नंबर का यूनिट नंबर, इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक 6 हो, क्या हो? 6, क्या हो? 6, और यहां पर आ जाए इवन नंबर, क्या आ जाए? इवन नंबर, क्या बोल रहा हूं, यहां पर आ जाए 6 यूनिट नंबर, इकाई अंक 6 आ जाए और इधर आ जाए इवन नंबर, जस्ट एक पहला नंबर क्या हो? इवन, तो वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट, क्या होगा? नॉन परफेक्ट। समझ पा रहे मेरी बात को? इसका मतलब नॉन परफेक्ट कब होगा? जब 6 हो और उसके जस्ट पहले क्या हो? इवन नंबर। जैसे 6 है और यहां 2 आ गए, 4 है, 6 है, नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, इसके पहले भले कितने नंबर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जब भी 6 होगा यूनिट नंबर और इवन होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? 6 के केस में परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना एग्जाम में, लॉजिक अच्छे से कर लो, कभी नहीं रुकोगे। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा सर? परफेक्ट स्क्वायर होगा जब यूनिट में 6 हो, इकाई का अंक 6 हो और इधर क्या हो? ऑड नंबर, विषम संख्या, ठीक है ना। ये है यूनिट और ये है विषम संख्या, सम संख्या, सम है तो सम, इवन है तो सम संख्या और ऑड है तो विषम संख्या। यूनिट में 6 है, यूनिट में अगर 6 है और सम आ जाए तो वो क्या होगी? नॉन परफेक्ट। अगर यूनिट में 6 है और ऑड संख्या आ गई तो क्या होगी? परफेक्ट। क्लियर टॉपिक यहां पर? अभी समझो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 6 है, ऑड संख्या लगा लो, किसका स्क्वायर हो गया? 16, 4 का, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 6 है, 2 लगा दो, सॉरी 6 है ना, ऑड संख्या लगाना है अपने को, 3 लगा दो, 1 के बाद 3 कितना हुआ? 36, किसका स्क्वायर? 6 का। समझ पा रहे हैं? फिर 56 है, ये भी स्क्वायर होता है अगर सामने कोई संख्या आ गई तो। इसी तरीके से 256, 16,
इसी तरीके से जब भी किसी भी यूनिट नंबर में अगर 6 है और ऑड संख्या आ रही है, ये ऑड संख्या है ना, इसके पहले और भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि भाई दो अंक की संख्या होगी, उसके पहले जो नंबर आ रहा है वो मिलकर बना रहा है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले अगर 6 है तो उसके पहले अगर बनाना है तो ऑड नंबर, विषम संख्या होनी चाहिए। 6 का केस समझ में आ गया। नॉन परफेक्ट कब होगा, जब भी यूनिट नंबर 6 होगा और सम संख्या आ जाएगी तो नॉन परफेक्ट होगा। यूनिट डिजिट 6 है और विषम संख्या आ जाएगी उसके जस्ट एक पहले तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्कोर। ये 101% अप्लाई होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, जहां दो राय होगी मैं बता दूंगा कि कहां 90% लग रहा है, ठीक, क्लियर। सेकेंड, इसके बाद चलते हैं, बात समझ में आ रही है, एक बार रिकॉल करो जल्दी से कि क्या क्या हमने पढ़ लिया, देखो। ठीक, 4 का रूल देख लेते हैं। यूनिट की बात कर रहे हैं, किसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। यूनिट में अगर 4 आ जाए, ये है यूनिट, और इधर आ जाए इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या, यूनिट में इकाई का अंक 4 हो जाए और इधर उसके जस्ट एक पहले क्या हो जाए, सम संख्या, तो वो हमेशा क्या होगी, नॉन परफेक्ट, क्या होगी, नॉन परफेक्ट, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी ऑड आएगा था ना यहां पे, अगर इवन नंबर आ जाए, 4 यूनिट नंबर 4 हो और ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या, विषम संख्या, अभी मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन भी करा देते हैं इसके। यूनिट में अगर 4 है और विषम संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट, ठीक। जैसे 4 है, विषम संख्या 1 आ जाए, इसके आगे कितनी संख्या लगा दो, किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है ना, कोई दूसरा नंबर आ जाए, ठीक है, ऑड नंबर 4 के पहले, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, जैसे 4 है, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो ऑड लगा दो, 4 है 5 लगा दो, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद, अगर यूनिट में 4 है और इवन नंबर लग गया आपका यहां पर जस्ट पहले, तो यूनिट में 4 है और इवन नंबर 24, अगर इसके ऊपर सामने 3 लग जाए तो किसका स्क्वायर हो गया, 18 का। मतलब जब भी 4 होगा और यूनिट, यूनिट में 4 है और जस्ट इवन नंबर 2 आ गया, या इवन नंबर कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, तो भी क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। जैसे 4 है और ये इवन नंबर की बात कर रहे, यूनिट में 4 है और इवन नंबर भी 4 है, 1 लगा दो, 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से करते चलोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको, 6 है या 8 का स्क्वायर हो गया, मतलब क्या समझ में आ रही कहानी, यहां से क्या समझ में आ रही बताओ मुझे। यहां से इतना समझ में आ रहा है कि यूनिट में अगर 4 है, ऑड अगर आ गया पहले तो नॉन परफेक्ट, यूनिट में 4 है और इवन आ गया तो परफेक्ट। आसानी जाएगी कि नहीं जाएगी क्वेश्चन को समझने में, 101% प्रूफ है, यहां कोई दो राह नहीं है, क्लियर, ओके। इसके बाद 5 का केस पढ़ लो, 5 का केस बहुत सिंपल है, ठीक। पांच के केस में क्या होगा, 5 का रूल, 5 अगर यूनिट है, 5 में इकाई का अंक अगर यूनिट डिजिट 5 है और उसके सामने अगर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 के सामने हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, 2, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इकाई का अंक अगर 5 है, जस्ट पहले 2 हो, उसके पहले कोई भी नंबर उससे मतलब नहीं है, बहुत सारे नंबर है, 5 अंक का नंबर है, 5 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन इकाई का अंक 5 उसके सामने 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर 5 के पहले कुछ भी आ जाए, 1, 2, 3, 5 जो भी आ जाए, 2 के अलावा दूसरी चीज़ 3, 5, 7 कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट,
तो ये कंडीशन समझ में आई ठीक। एक और कंडीशन है लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस कर लेता हूं, वैसे बता देता हूं आपको, हालांकि थोड़ी सी मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं थोड़ी टफ है, हालांकि इस लेवल पर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मतलब उतना ज्यादा हाई लेवल पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इसके केस लिख लो। अगर लास्ट टू डिजिट 1 से 24 के वर्ग के समान है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं अभी ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसको क्लियर कर लेंगे, धीरज रखो है ना। अगर लास्ट टू डिजिट 1 से 24 के वर्ग के समान हो तो मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूं इसको ठीक है। 148 का स्क्वायर कितना होगा? 210904 राइट। अभी क्लियर इसको कर लेना। 68 का स्क्वायर 4624। 96 का स्क्वायर, क्वेश्चन समझाने के लिए इसके लिए मैं ये लिया हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझाना है मेन, 9216। और 169 का स्क्वायर है आपका 28561। चलो अब लगाओ लॉजिक। ये जो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर दो डिजिट मतलब ये समझ में आया, किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट थोड़ा टफ है लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है। लास्ट के दो डिजिट 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के समान हो जाए, लास्ट के दो डिजिट, तो मैं लास्ट के दो डिजिट देख लेता हूं। ये तो ये चार जो है ना, यहां तो जीरो ही बचा, कितना 4, ये 4 किसका है? 2 का स्क्वायर है जो 1 से लेकर 24 के बीच में आता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ठीक। इसमें तो दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आ जाए लास्ट के दो डिजिट 1 से लेकर 24 के बीच में आता है, 324 324 देखो 24 है, हमें मतलब किससे? लास्ट के दो डिजिट, इसके पहले 6 है उससे मतलब नहीं है, है या 68 का स्क्वायर, हमें मतलब क्या लास्ट के दो डिजिट, ये 24 है, लास्ट के दो डिजिट किसी ना किसी 1 से लेकर 24 के वर्ग के अंदर आता है, 324 18 स्क्वायर ठीक। 16 4 का स्क्वायर 1 से 24 के बीच में, 61 361 19 का स्क्वायर, तो ये जो लास्ट के दो डिजिट किसी ना किसी 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंदर आते हैं, लास्ट के दो डिजिट ठीक है। एक बार और समझो अच्छे से कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लो, अदरवाइज फंसोगे। जैसे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 से लेकर 24 तक के वर्ग लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, तो लास्ट का दो डिजिट से मतलब ये किसके अंदर आ रहा है? 2 का स्क्वायर के अंदर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट का दो डिजिट 24, तो यार ऐसी कोई संख्या है कि जिसमें 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के अंदर 24 आता है लास्ट के? हाँ, 324 है ना यार एक ऐसा नंबर जो 18 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, मतलब 124 के स्क्वायर के अंतर्गत आता है लास्ट के दो डिजिट, 61 हाँ 361 होता है 19 का स्क्वायर, ये भी 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के अंदर लास्ट के दो डिजिट से मतलब है, समझ में आया? नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ऑलमोस्ट हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बारी बात बारी क्वेश्चन की, अब सीधे क्वेश्चन है, रूल सारे हो गए ठीक है। अब एक बार रिकॉल करो तब जाके मजा आएगा क्वेश्चन में, एक बार रिकॉल कर लो, नोट्स बनाते हुए चलना है, एक बार रिकॉल करें फास्ट, रिकॉल करो। क्या क्या पढ़ा हमने देखो,
यूनिट डिजिट, रिकॉल करो, रिकॉल करो, गलती नहीं होनी थी। यूनिट डिजिट 2 3 7 8 अगर है, इकाई अंक 2 3 7 8 है, तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? डिजिटल सम पढ़ा हमने, इसके बाद क्या पढ़ा? डिजिटल सम कितना हो? 2 3 5 6 8। किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद जो डिजिटल सम आता है, सम की बात कर रहा हूं, यूनिट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों अलग है। अगर डिजिटल सम ये आएगा तो भी क्या होगा? ये नॉन परफेक्ट। परफेक्ट ये 100% है, कोई दो राह नहीं है इसमें। 90% परफेक्ट का केस क्या आप देखे थे हमने? 90% परफेक्ट हो सकता है। 1 4 7 9, बार बार पढ़ोगे तभी। 1 4 7 9 यूनिट में, हाँ इसमें भी क्या लिखना है? यूनिट। यूनिट में जब भी 1 4 7 9 होगा तभी वो क्या होगा? परफेक्ट हो सकता है, वो भी 90%। अगर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो भाई लास्ट ऑप्शन को कोई दिक्कत नहीं है, आप टिक कर देना ये दिक्कत। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा? इकाई का अंक 6 हो, इसके पहले अगर इवन आ जाए तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट कॉपी चेक कर लेना, अगर आप लोग का गलत हो रहा है या मैं गलत बोल रहा हूं, देखो कॉपी चेक करो। 6 है और 2 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था, 6 है और 1 आया था तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। मतलब 6 है तो यूनिट डिजिट, अगर 6 है तो इधर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर, विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये क्या होगा? परफेक्ट। ये पढ़ा पूरा, ऐसा रिकॉल होना चाहिए क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक। फिर क्या देखा हमने? आप बताओ मुझे, ये हो गया 6, इसके बाद हमने 4 देखा। 4 के पहले अगर विषम संख्या है, ऑड है, विषम संख्या है ऑड, तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट। यूनिट नंबर 4 है और इवन नंबर है, 2 4 6, देखो 4 है इवन नंबर, 6 है मतलब 64, 8 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब 4 के पहले क्या होगा? इवन संख्या, इवन मतलब 2 के मल्टीपल, सम संख्या, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, और क्या देखे थे? 5 का केस देखे थे, क्या देखे थे? 5 में यूनिट में अगर 5 है तो क्या होना चाहिए? यूनिट में अगर 5 है तो सामने क्या होना चाहिए? 2, तब भाई क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। 5 है और दूसरे नंबर है तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट। इतना पढ़ा, 1 से लेकर 24 तक के वर्गों का अगर लास्ट के 2 डिजिट मिल रहे हैं, 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के 2 डिजिट देख लो, अगर ऐसा लग रहा है कि तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की बारी, अब क्वेश्चन समझ में आएंगे, अब लगा लो दुनिया के क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं जाएगी परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक, हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फंसाएंगे आप लोग को, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर अच्छा लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस में डालें, फेसबुक में शेयर करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आप लोग बताओ मुझे, एक नंबर दे रहा हूं 29561, 29561 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बताओ जल्दी से, 29561 परफेक्ट स्क्वायर है? सर आपने एक बताया था कि 90% अगर यूनिट नंबर 1 4 7 9 हो तो वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। आपने क्या बताया था? जब इकाई का अंक 90% 1 4 7 9 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ इकाई का अंक 1 है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन एक बार इसका हम क्या देख लेते हैं फिर, अगर डिजिटल सम देखना जरूरी है। डिजिटल सम क्या नहीं आना चाहिए? 2 3 5 7 डिजिटल सम में 6 और 8 आता है। ठीक है, चलो 9 2 11 11 5 16 16 16 और 6 22 और 1 23, 23 को जोड़ो, 2 और 3 5, डिजिटल सम 5 आ गया, मतलब नॉन परफेक्ट। समझ में आ गया ना? बताया 90% है ये चीज,
बस एक ही चीज 90% बाकी 100% प्रूफ कर दिया हूं। तो ये गलती मत करना यार, कुछ लोग आधा अधूरा बता देते हैं और आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। देख लो आप, 7 5 12 12 2 14 14 9 23 23 3 2 5 जब डिजिटल सम 5 आ जाता है तो ये क्या होता है, नॉन परफेक्ट की कंडीशन होती है। बताया था कि नहीं बताया था बताओ, आ रहा है मजा पढ़ने में तो शेयर करो ठीक। ओनली आपको मैथ स्पेशल ज्वाइन करना है तो 799 है, आप एप्लीकेशन पे जाकर एग्जाम 247 में पूरा मैथ्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ठीक। 799 चार्ज है एप्लीकेशन पे जाकर ठीक है, और डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो ठीक है, कोई क्वेरी हो तो। यहाँ तक क्लियर? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। मतलब एक सिंगल डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर होगा कि नहीं होगा, दोनों चीज फॉलो करना है ठीक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन यही था, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग निकालो ठीक। पहला ऑप्शन है 17343। अब लगाओ लॉजिक, पहला ही क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको आंसर पता है, लेकिन लॉजिक लगा के बताओ कि तुम्हारे लॉजिक सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 3597 6366 और लास्ट में है 106276। बताइए लॉजिक लगा के बताओ, कौन किसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? आंसर मुझे पता है, आप सबको पता है, यूनिट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए? 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। हाँ इसमें 3 है भैया, ये नॉन परफेक्ट हो गया, कैंसिल। 5 के पहले क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, नॉन परफेक्ट हो गया। 6 के पहले हमेशा 6 के पहले ऑड नंबर होना चाहिए, कैसे पता? 6 के पहले 1 आएगा 16 बनेगा, नॉन परफेक्ट। 6 के पहले ऑड नंबर है, परफेक्ट। कितना जल्दी हो जाएगा? कब? जब ये सारे लॉजिक पता होंगे। चलो और कर क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन कर लो। परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है। 690828 लॉजिक लगाना है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो, शॉर्टकट मत ढूंढो ठीक है ना। सारे लॉजिक पढ़ो, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है यार। शॉर्टकट ढूंढोगे तो एक एग्जाम में पढ़ोगे, फिर दूसरी एग्जाम के लिए फिर जीरो से स्टार्ट करोगे। ऐसे पढ़ो ताकि आपको लगे कि नहीं यार मेरा 80% हो चुका है, बस मेरे को 20% की तैयारी हर एग्जाम में करनी है। ठीक है 597226 5 है ये। चलो क्लियर है? 690828 7903217869205972266। अब ये आप लोग को जल्दी से बताना है, करो 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 करो। हो गया, यूनिट नंबर 2378 नहीं होना चाहिए, यह है मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट ठीक है। यहां पर 1 है तो ये 90% परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 90% इसको अभी छोड़ दो ठीक, इसको देख लो। तो यहां पर जब भी ऑड केस में ऑड नंबर अगर 0 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डिजिटल सम देख लो इसका ठीक है, 11 ठीक है, 8 कितना हो गया आपका 19 और 7 आपका 26 और 6 कितना हो रहा है, 26 और 6 32 3 + 2 5 में भी क्या हो रहा है डिजिटल सम, क्या बोला था मैंने 2 3 5 6 8 डिजिटल सम नहीं होना चाहिए। अगर डिजिटल सम इतना आ रहा है तो ये भी नॉन परफेक्ट हो गया ठीक।
सम करके देख लो, डिजिटल सम। इसके बाद इसको देख लो, 59 आपका 14 और 7 आपका कितना हो गया 21, 21 और ये 10 31। अब इसका भी सम कर लो, 3 और 1 4। अब देखो मैंने आपको बताया था ये भी 90% परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन क्या थी, 1 4 7 9, 1 4 7 9। अब यहां पर आके आप कहानी फंस गई, कौन सा सही होगा कौन सा गलत, सॉरी। तो यहां पर एक चीज देख लेना, डिजिटल सम देखने से पहले यहां पर देख लो, 6 के पहले ऑड नंबर होना चाहिए, 6 के पहले क्या होना चाहिए ऑड नंबर, थोड़ा सा ओपन आईज ओपन करके करना है, 6 के पहले क्या होना चाहिए ऑड नंबर, तो ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसमें 6 के पहले क्या है, 2 है, तो पहले आपको ये देखना, उसके बाद आपको देखना है कौन सी कंडीशन, डिजिटल सम, पहले ये वाली कंडीशन आपको देखना है, 6 के पहले अगर इवन आ रहा है तो वह नहीं होगा, ऑड आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर। चलो हाँ, कई क्वेश्चन में ऐसा होगा भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि दोनों ऑप्शन में डिजिटल सम आ रहे होंगे, तो उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर, ठीक। चलो क्लासेस ओपन हो रही भोपाल के अंदर अक्टूबर में क्लासेस ओपन हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट क्लासेस में आप आ सकते हैं, ठीक। चलो परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, 298116, अगर छोटा लेटर दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, 298116 211682 389129 एंड लास्ट है, पूरे लॉजिक को ध्यान में रखते हुए करना है, पहले यूनिट डिजिट को देख लिया करो कि यूनिट में कौन से नंबर है, ठीक है, तभी आप कुछ करा करो। चलो सॉल्व करो जल्दी से, सारे लॉजिक लगा लो, लगाओ सारे लॉजिक यहां पर, आ गया आंसर, चलो यहां से समझ में आ रहा है कि यूनिट नंबर अगर 6 है और ऑड नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब यही होगा आंसर, ठीक है, बाकी फिर इधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप करके देख लो, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, नॉन परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ जो आपको करके लेकर आने हैं, पहला ऑप्शन है 19459, सेकेंड ऑप्शन है 17343, सी ऑप्शन है 18252 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1164, ठीक, 664 है, राइट, 11664। एक क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन है 552079, परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है, 3745448207736 और लास्ट ऑप्शन है 201509, राइट। एक और क्वेश्चन लिखो, लॉजिक लगा के पढ़ना है, ठीक है, 371636, सेकेंड 346821, 543169 और लास्ट ऑप्शन है 656481। इस वीडियो के एंड में बहुत सारी क्लासेस आ रही होगी, आप उसे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसके बाद जो क्लासेस है वो आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो लोग स्टेट एमपी पुलिस एसआई
प्लस जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए 1199 में पूरा कोर्स 6 महीने का दिया जा रहा है आपको। एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस बनी हुई हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, तो सारी क्लासेस वहाँ पे सेव होगी, आप किसी भी टाइम पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस रहेगी। दूसरी चीज़, क्लासेस वहाँ से कभी हटेगी नहीं, परमानेंट क्लासेस सेव रहेगी, राइट। दूसरी चीज़ एनटीपीसी जिसे ज्वाइन करना है 999 में है, ठीक है, और जिसे ओनली एमपी जीके करना है, इनमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, एमपी जीके से लेकर सब कुछ, लेकिन जिसे ओनली एमपी जीके करना है उसके लिए 499 चार्ज है, जिन्हें ओनली मैथ्स करना है उसके लिए 799 चार्ज है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।